नमस्कार दोस्तों, सुखासन एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सुख और आसन। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से शारीरिक और मानसिक रूप से सुख और शांति मिलती है। इसके अलावा इस आसन को करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जो शरीर को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। सुखासन तनाव को कम करने में मदद करता है, साथ ही और भी कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कारगर होता है। तो आइए जानते हैं सुखासन करने के लाभ और उसकी विधि के बारे में। इस आसन को नियमित रूप से करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहने से हृदय से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा कम हो जाता है। यह आसन तनाव कम करने में मदद करता है। सुखासन करने से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे आप किसी भी काम को ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। इस आसन को नियमित रूप से करने से आपका गुस्सा कम होता है और दिमाग को शांति मिलती है। यह आसन शरीर के लचीलेपन को बनाए रखने में मदद करता है। इस आसन को करने से छाती, पैर और हाथों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। सुखासन में सावधानियां। पैरों में किसी भी प्रकार का अत्यधिक कष्ट हो तो यह आसन न करें। साइटिका अथवा रीढ़ के निचले भाग के आसपास किसी प्रकार का दर्द हो या घुटने की गंभीर बीमारी में इसका अभ्यास न करें। सुखासन करने का तरीका। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर बैठ जाएं। इसके बाद दोनों पैरों को बारी बारी से क्रॉस करते हुए घुटनों से भीतर की तरफ मोड़ें, घुटने बाहर की तरफ रहें और पालथी सी मार कर बैठ जाएं। इसके बाद दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। ध्यान रहे, इस आसन को करते वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसके अलावा आँखें बंद रखें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस आसन में कम से कम 10 मिनट तक रहें। योग में ये कहा जाता है कि अगर आप इस आसन में 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट तक बैठ लेते हैं तो ये आसन आपको सिद्ध हो जाएगा। वैसे आप इस आसन में जब तक आराम से बैठे रहना चाहें बैठे रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।